अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी, आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि हम अपने नेल्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये मैं सबसे पहले तो अपने नेल्स को कर रही हूँ साइड से कट, ताकि इनकी शेप सही हो जाए। वैसे नेल्स की शेप बाद में भी सही कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना नेल्स ज़रा नरम हो जाते हैं तो वो सही से होती नहीं है। वैसे अगर कुछ भी ना करें ना, तो सिर्फ थोड़े दिनों बाद नेल्स को थोड़ा सा साइड से कट करके और अगर अच्छे से फाइल कर लिया जाए ना, तो उससे भी नेल्स काफ़ी लंबे लगने लग जाते हैं। तो जी, मैंने नेल्स को फाइल कर लिया। अब हम किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर ना, मतलब जिसमें सिर्फ हमारे जो नेल्स हैं वो सही से डिप हो जाएं, तो उसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं करना, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इसे थोड़ा सा कर लेना है। ये पानी को गर्म करने के बाद हम इसमें बहुत थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे बस। अच्छा, सॉल्ट से क्या होता है कि इससे ना हमारे नेल्स जो हैं वो ब्राइट होते हैं, और दूसरा, ब्राइट होने के साथ साथ जो इसके क्यूटिकल्स हैं ना वो भी सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, पानी के साथ साथ हमें चाहिए लेमन और गार्लिक, एक पीस ले लेना है गार्लिक का। तो जी, मैं नेल्स को कोई 3 से 4 मिनट के लिए पानी के अंदर डिप करूँगी। बस 3 से 4 मिनट बहुत हैं, बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं पानी में रखना। पानी में कुछ देर डिप करने का ये फ़ायदा होगा कि जो नेल्स में डर्ट वगैरह चला जाता है ना, गंदे से लगते हैं नेल्स, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, इससे सारा डर्ट रिमूव हो जाएगा। अच्छा, नेल्स को साफ़ करने के बाद अब लेमन को कुछ देर के लिए रब करेंगे नेल्स के ऊपर। अच्छा, अगर आप लोग भी इस तरह डायरेक्टली लेमन का पीस लेकर नेल्स के ऊपर रब करना चाहते हैं तो ये भी सही है, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर एक बाउल लेकर उसमें लेमन जूस निकाल लें, तो उसमें थोड़ी देर के लिए नेल्स को डिप कर लें। अच्छा, लेमन का फ़ायदा ये है कि अक्सर लोगों के नेल्स होते हैं ना येलो से कलर के, तो ये येलो कलर को ख़त्म करके तो नेल्स को ब्राइट कर देता है, तो इसलिए मैं कुछ देर के लिए सभी नेल्स पर अच्छे से रब कर लूँगी लेमन को। अच्छा, तो अब बारी आ गई है गार्लिक की, एक पीस ले लेना है गार्लिक का। अच्छा, इसका तो सभी को पता होगा कि इससे नेल्स जल्दी ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के साथ साथ ये नेल्स को स्ट्रॉन्ग भी करता है। मतलब होता है ना कि अक्सर लोगों के नेल्स बड़े कमज़ोर होते हैं और वो जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए गार्लिक का ये फ़ायदा है कि ये हमारे नेल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अच्छा, मैं वैसे गार्लिक का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि बाद में ना इसकी बड़ी एक अजीब सी स्मेल, मतलब काफ़ी देर तक हाथों से जाती नहीं है, तो इस वजह से, और वैसे भी मेरे नेल्स इतने वीक नहीं हैं, सही हैं, इसलिए मैं फिर बहुत कम, कभी कभार ही बस यूज़ करती हूँ। तो जी, ये मैंने लेमन और गार्लिक रब करने के बाद अच्छे से हैंड वॉश कर लिया है, और नेल्स को भी बिल्कुल साफ कर लिया है। ये देखे, लेमन की वजह से नेल्स कितने वाइट से लग रहे हैं ना। अच्छा, तो मैंने सोचा कि नेल्स को इतना साफ़ सुथरा करने के बाद क्यों ना इनके ऊपर नेल पॉलिश ही लगा लूँ। मेरे पास कीको की हैं दोनों नेल पेंट्स, तो अब मैं इन्हें लगाऊंगी। Hey।
तो जी ये था आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।